So we have this jumbo question here. I will request you to note this question as an important, to mark this question as an important. This is the question based on Black and Scholes model. Aiye discuss karte hain question ko. The shares of TIC Limited are currently priced at rupees 415. 415 rupees mein aaj stock mil raha hai. Spot price hai ye. स्पॉट मार्केट में जाके 415 रुपए में टीआईसी का शेयर आप खरीद सकते हो. एंड अ कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 months टाइम हैज एन एक्सरसाइज रेट ऑफ 400 रुपीज. कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 months टाइम, 3 महीने के टाइम में ये कॉल ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसका एक्सरसाइज रेट है 400 रुपए. ठीक है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस है 400 रुपए. ये शेयर्स को आज खरीदना है तो 415, 3 महीने बाद खरीदना है तो एक काम करो, आज कॉल ऑप्शन खरीद लो, तो 3 महीने बाद आप 400 रुपए में खरीद सकते हो. रिस्क फ्री रेट 5%, स्टैंडर्ड डेविएशन शेयर का दिया है 22%. बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट टीआईसी लिमिटेड इज नॉट गोइंग टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, इज द ऑप्शन वर्थ बाइंग फॉर ₹25? अब आपको ये अजम्पशन मान के चलना पड़ेगा कि भैया 3 महीने में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने वाली कंपनी, तो क्या ये ऑप्शन ₹25 में खरीदना सही रहेगा? क्या ₹25 क्या है प्रीमियम है कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए? क्योंकि आपको तो 3 महीने बाद शेयर खरीदना है, वो अवेलेबल है ₹400 में, लेकिन आज वो राइट खरीदना पड़ेगा, है ना, तब जाके आप 3 महीने बाद 400 में खरीद पाओगे. वो राइट खरीदने के लिए आज आपको ₹25 लगेंगे. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ₹25 देना वर्थ है ऐसे ऑप्शन के लिए. सेकंड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन. अभी फिर से यही वैल्यू निकालनी है कॉल ऑप्शन की. बेस्ड ऑन द ब्लैक एंड स्कोल्स वैल्यूएशन मॉडल इफ द करंट प्राइस इज कंसिडर्ड एज 380, अगर करंट प्राइस स्पॉट प्राइस 380 कंसिडर कर ले हम. स्पॉट प्राइस पहले कितनी दी थी, पहले वाले पार्ट में 415, उसके जगह 380 रख दो और फिर बताओ कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल यूज करना है हमको यहाँ पे. थर्ड, वॉट वुड बी द वर्थ ऑफ पुट ऑप्शन. अब आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है. पहले वाले पार्ट में हमने कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाली थी, तो आपको बताना है व्हाट वुड बी द वर्थ ऑफ पुट ऑप्शन इफ द करंट प्राइस इज कंसिडर्ड ₹380. अगर करंट प्राइस 380 रुपए पकड़ा तो पुट ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी. फोर्थ, इफ टीआईसी शेयर प्राइस इज टेकन एज 408, मतलब टीआईसी की शेयर की प्राइस आप 408 रुपए ले लो और डिविडेंड ले लो 10 रुपए का, ठीक है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन द 2 मंथ्स टाइम. यानी कि शेयर की प्राइस 408 ले लो. सबसे पहले वाले पार्ट में आपने शेयर की प्राइस 415 ली थी, उसके बाद आपने 380 ली है, अब उसको 408 पकड़ो और ये मान के चलो कि 2 महीने के टाइम में, यानी 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद 10 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है. तो अब बताओ वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन क्या होनी चाहिए. सो आपको काफी ज्यादा कैलकुलेशन करने हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट. सो मार्क इट डाउन एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अभी वाले क्वेश्चन में हमको कुछ डिटेल्स दी हुई है और बोला गया है कि पहले वाले पार्ट में बोला गया है कि क्या ये कॉल खरीदना ₹25 में वर्थ है. ₹25 प्रीमियम है कॉल का और एक्चुअल मार्केट प्राइस है कॉल की, और ये ₹25 में खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए ये डिपेंड करता है कि इस कॉल की थियोरेटिकल प्राइस कितनी होनी चाहिए थी. अब कॉल की थियोरेटिकल प्राइस निकालने के 2 तरीके, बायनोमियल मॉडल और ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल. बायनोमियल मॉडल ये बोलता है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऐसी कोई डिटेल हमको यहाँ पे दी हुई नहीं है. वोलेटिलिटी जरूर दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर दिया हुआ है, तो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल ही एक मॉडल बचता है जिसके थ्रू हम कॉल की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आइए देखते हैं कैसे कॉल की वैल्यू ब्लैक एंड स्कोल्स से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मेन फॉर्मूला क्या है ब्लैक एंड स्कोल्स का, कॉल वैल्यू इज नथिंग बट एस इन टू एन डी वन माइनस के डिवाइड बाई ए टू द पावर आर टी लिखो इन टू एन डी टू. चलो जो डिटेल दी हुई है वो मैं पहले लिख लेता हूँ. स्पॉट प्राइस हमको दी हुई है कि हाँ है कितनी 415, ND1 हमें निकालना पड़ेगा माइनस स्ट्राइक प्राइस कितनी 400 ई टू द पावर. अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.05 और टाइम कितना 3 महीने, यानी मैं लिख सकता हूं 0.25, 12 महीने का 1 साल, 6 महीने का आधा साल यानी 0.50 और 3 महीने का 0.25 इयर्स इनटू ND2 के लिए भी मैंने जगह छोड़ दी. ठीक है, थोड़ी और जगह छोड़ दिया मैंने यहां तक. अब बात आती है D1 की. D1 का क्या फॉर्मूला, जब ND1 ND2 कैसे निकलेगा, पहले D1 निकालोगे फिर D2 निकालोगे फिर उस दोनों वैल्यू को Z टेबल में देखोगे तो आएगा. तो देखो
फॉर्मूला क्या बोलता है, नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट प्राइस डिवाइड बाय स्ट्राइक प्राइस प्लस आर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू टी। प्रैक्टिस के साथ साथ फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी, नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट प्राइस कितनी 415, स्ट्राइक प्राइस कितनी 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी 0.22 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 22%, यस, डिवाइडेड बाय 2 और 0.25, 0.22, टी कितना 0.25। तो अब नेचुरल लॉग ऑफ 415 बाय 400 कितना, मतलब 415 बाय 400 यानी कितना आता है ये देखते हैं। चलो 1.0375 प्लस, ये वाला पूरा पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां से शुरू करना 0.22। तो मैंने क्या किया देखो, 0.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, 0.01855 डिवाइडेड बाय, अब इसका करो 0.25 का स्क्वायर रूट इनटू 0.22 तो आएगा 0.11। D1 में यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब ये दोनों तो ठीक है, अब नेचुरल लॉग ऑफ 1.0375 निकालना है, तो ये कैसे निकालना मैं आपको बताता हूं। एक तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके बुक के पीछे में नेचुरल लॉग वाला टेबल दिया होगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू दी हुई रहेगी क्वेश्चन के नीचे, नहीं भी दी है तो आप टेबल में देख के निकाल सकते हो। अब टेबल में एग्जैक्टली 1.0375 नहीं मिलेगा, तो आपको जो मिलेगा वो है सिर्फ पहले दो डिजिट्स 1.03 और 1.04, ये 1.03 की वैल्यू मिलेगी, 1.04 की वैल्यू मिलेगी, कहीं ना कहीं 1.03 और 1.04 के बीच में 1.0375 है। इंटरपोलेशन यूज करो कैपिटल बजटिंग में हमने देखा, और फिर कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हमको नेचुरल लॉग की वैल्यू निकालनी है। अच्छा चलो आइए देखते हैं, अब ये 1.0375 अगर आपको कैलकुलेटर पे निकालना है तो कैसे कैलकुलेटर पे निकाला जा सकता है। टेबल में अगर आपको नहीं देखना है और सिर्फ कैलकुलेटर पे निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, आइए देखते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, यू कैन डू दिस थिंग ऑन द कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द सेम वैल्यू एज ऑफ द टेबल, ठीक है, लेट्स डू इट, कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। तो पहले हम रख लेते हैं 2.7183 और फिर 12 बार स्क्वायर रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर -1 और उसको डाल दिया एम प्लस में। अब आपके कैलकुलेटर पे दिखना चाहिए 0.0000244 17206, इतनी अगर आपकी कैलकुलेटर पे वैल्यू दिख रही है दैट मीन्स यू आर करेक्ट। अब आगे जो भी हमको वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको यहां पे क्या चाहिए 1.0375, वो कैलकुलेटर पर रखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार दबाया मैंने स्क्वायर रूट, उसके बाद -1, उसके बाद सिर्फ 3 बटन, डिवाइड बाय एमआरसी और इक्वल टू, आपका आंसर इतना आना चाहिए 0.03681। ठीक है 0.03681, बाकी 0.01855 और 0.11। देखो तो ये कितना आता है, तो आपका D1 आ गया 0.5033। अब D2 निकालते हैं, वो क्या है D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी 0.5033 माइनस ये स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी कितना था 0.11, तो D2 भी आ जाएगा 0.3933। ये है D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू। क्या मैं इन फिगर्स को यहां पे रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्योंकि ये D1 D2 है, ये ND1 ND2 नहीं है, अब इनको इंटरपोलेट करना बाकी है अभी भी,
ठीक है। तो अब आपको जी टेबल देखना पड़ेगा, आपके बुक के सबसे पीछे में दिया हुआ है जी टेबल, उसको देखना पड़ेगा। डी वन की वैल्यू उसमें देखो 0.5033। सो इफ यू विल लुक एट योर जी टेबल यू विल हैव सम वैल्यूज लाइक दिस। आपको एग्जैक्टली 0.5033 तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको ये दो फिगर्स मिल जाएगी। कौन कौन सी? 0.50 और 0.51, इन दोनों को हम इंटरपोलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं 0.50 की क्या वैल्यू है टेबल में। ठीक है, हाँ तो देखो आपको दिख सकता है कि टेबल में ये वर्किंग नोट है, 0.50 की वैल्यू है 0.6915, और 0.51 की भी वैल्यू दिखेगी आपको 0.6950। ठीक है, अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 0.01। अब हम इंटरपोलेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरपोलेशन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 0.0035। सही के डिफरेंस, हाँ ठीक है। लेकिन आप बताओ 0.50 से 51 तक गया, मतलब इतना डिस्टेंस कवर किया तो इतनी वैल्यू मिलती है, लेकिन मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है? 0.50 से आगे बढ़ना है, यानी मेरे को ये वैल्यू से भी आगे बढ़ना है, तो कम से कम ये वैल्यू तो होगी होगी 0.6915। अच्छा, 0.50 से कितना डिस्टेंस कवर करना है मुझे? सिर्फ 0.5033 तक, यानी मुझे सिर्फ 0.0033 कवर करना है। मुझे 0.01 कवर नहीं करना, मुझे सिर्फ 0.0033 तक का डिस्टेंस कवर करना है। तो देखो इंटरपोलेशन, कम से कम इतनी वैल्यू तो होगी 0.6915 प्लस। अब पहले देखो 0.0035 मिलता है अगर इतना कवर करते हो तो इतना कवर किया तो कितना मिलेगा? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ND1 बोलेंगे इसको हम। सॉल्व करके देखो, वो आना चाहिए 0.6927। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये आपका ND1 हो गया जो मैं यहां पे रख सकता हूं, 0.6927। इसी तरह से हम ND2 भी निकाल लेंगे। अब ND2 के लिए हमको कौन सी दो वैल्यूज चाहिए होगी? देखो टेबल में, वही टेबल में आपको वापस देखना है, 0.39 और 0.40, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 0.3933 है। तो आइए देखते हैं कैसे हम 0.39 और 0.40 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमको वैल्यूज पता चल जाएगी कि 0.39 की कितनी है, 0.39 और 0.40। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी 0.6517, और 0.40 की वैल्यू मिल जाएगी 0.6554। सही है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना, 17 से 54, 37 का। अब इतना आगे बढ़े तो इतना मिलेगा, लेकिन मुझे 0.39 से सिर्फ 33 तक जाना था, यानी मुझे सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करना था। तो इंटरपोलेशन लगाते, कम से कम इतना तो है क्योंकि यहीं से आगे बढ़ रहे 39 से, 0.6517 प्लस ये रहा 0.0037 मिलता है 0.01 आगे बढ़ने पे, तो 0.0033 आगे बढ़ने पे कितना मिलेगा? दिस इज कॉल्ड एज ND2। अब ये वैल्यू देखो कितनी आएगी,0.6529।
ये आपका ND2 है, ये ND1 है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन में। तो अब क्या मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं इधर? यस, क्या है ये 0.6529? आ गया आपका सारा का सारा। आप कैलकुलेशन कर ले आगे, देखो क्या आंसर आएगा। 415 इंटू 0.6927 यह आएगा 287.47 माइनस 400। अब ये सॉल्व करना है। e टू द पावर 0.05 इंटू 0.25, e टू द पावर कितना हो रहा है? ये 0.05 इंटू 0.25 कितना होता है? 0.0125, 1.25%। अब e टू द पावर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? देखो मैं अब इधर लिख लेता हूँ, सॉरी। तो 2.7183 e टू द पावर 0.0125 आ रहा होगा उसका आंसर। तो इसको ऐसा हो गया, इसका मतलब 0.0125। अब ये 2.7183 कैलकुलेटर पे रखो, स्क्वायर रूट का बटन दबाओ 12 बार, -1 मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू +1 और इनटू इक्वल टू दबाओ 12 बार, तो आपको वैल्यूज का पता चल जाएगा। देखो मैं करता हूँ, .0126 आएगा, वो वैल्यू आपकी आनी चाहिए इतनी। तो 400 डिवाइड बाय 1.0126 395 × 0.6529, आंसर इतना आना चाहिए, 257.91। कॉल की थियोरेटिकल वैल्यू। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कुछ बाकी है। यस, क्या बाकी है? एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ 25 है ना, इज लेस देन थियोरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ 29.57। मतलब एक्चुअल में मार्केट में सिर्फ 25 रुपए में मिल रहा है, जबकि थियोरेटिकली 29 रुपए 56 पैसे में मिलना चाहिए। कॉल इज अंडर वैल्यूड बोल सकता हूं मैं, हेंस इट इज वर्थ बाइंग कॉल। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या वेरिएशन है, सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। आपको एक रिक्वेस्ट है, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये जो भी, उसको आप मार्क करके रखो एज अ जंबो क्वेश्चन फॉर द ब्लैक एंड शोल्स मॉडल, क्योंकि इसमें सारी पॉसिबल डेविएशंस कवर कर चुके हैं हम। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी बहुत कम है, करने को तो बहुत कुछ है लेकिन जितनी ज्यादा हो सकता है सब कुछ इसमें कवर किया हुआ। तो ये ब्लैक एंड शोल्स का एक भी क्वेश्चन आपने कर लिया एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से तो भी इनफ होगा। सो जस्ट राइट इट डाउन, फिर हम अगले पार्ट पे मूव करते हैं। चलो आइए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमको कॉल की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, सिर्फ ये बोला है कि स्पॉट प्राइस बदल गई है। अब स्पॉट प्राइस बदली हुई पे कॉल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, एस इंटू एन डी वन माइनस के डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी इंटू एन डी टू। ठीक है, अब स्पॉट प्राइस हमको कितनी बोला उन्होंने? 380। स्ट्राइक प्राइस 400, ए टू द पावर 0.0125 आया था, वो याद है? ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। डी वन निकाल लेते हैं, आइए नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट बाय स्ट्राइक प्राइस प्लस, देख लो फॉर्मूला सही है क्या गलत है, मेरे को नहीं आता बाबा, चेक कर लिया करो। ठीक है, अब नेचुरल लॉग देखो,
स्पॉट प्राइस कितना, 380 बाय 400 है ना, 400 ही है ना साइड प्राइस के, 415 प्लस, ये अपना आंसर पहले भी आ चुका था, फिर भी लिख रहा हूँ, 0.05 प्लस 0.22 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2.25, ये पुरानी चीज़ है, और ये आ गया 0.22 अंडर रूट 0.25। अब नेचुरल लॉग कितना आ जाएगा ये देखना, 380 बाय 400 0.95 प्लस 0.018, ये पिछली बार का आंसर, और ये 0.11, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा। उत्तरी D1 यहां नहीं निकालते, अभी बाकी है थोड़ा सा। नेचुरल लॉग ऑफ 0.95 अब कैसे निकालना है, 0.95 कैसे निकालना है, जैसे कि हमने पुराने वाले क्वेश्चन में देखा था कि क्या लिया था हमने, हाँ टेबल कैलकुलेटर पे कैसे निकालना देखा था। चलो आइए एक बार और हम देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेटर पे हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखना जैसे जैसे दिया हुआ है, आप देखो इस पे मैं 0.95 का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 2 पॉइंट जो जस्ट स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है, 2.71, 2.7183, फिर स्क्वायर रूट है 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, और फिर आपका एम प्लस, और फिर आपको रखना है 0.95, फिर 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, फिर डिवाइड बाय एम आर सी और इक्वल टू, ये आपका आंसर आना चाहिए, -0.05128129 +0.01855 डिवाइड बाय 0.11, -0.2976, -0.2976 आंसर आना चाहिए आपका, ये D1 वाला। और D2, D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट TSE के, -0.2976 -0.11, तो आपका आंसर आना चाहिए -0.4076 DU2। अब ये माइनस वाली फिगर्स को कैसे सॉल्व करना है ये हमको देखना है, क्योंकि प्लस तो दिया हुआ है। आप अब टेबल अगर देखोगे ना, तो आपको जो बुक में पीछे में टेबल दिया हुआ है वो टेबल जी टेबल, हाँ जी टेबल में कहीं पे भी निगेटिव वाली फिगर्स नहीं है, आपको पॉजिटिव वाली ही फिगर्स मिलेगी जी टेबल में। तो माइनस वाली फिगर्स कैसे निकालना अब मैं बताता हूँ, ये आपको पता है, ये बेल शेप कर्व होता है जी टेबल का, ठीक है। अब आप मान लो यहाँ की वैल्यू निकाल रहे हो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, तो जो टेबल में आपको दी हुई है ना वैल्यूज, आपको पीछे जो बुक के पीछे जो टेबल दिया है, वो टेबल में जो वो वैल्यू दी हुई है ना, वो वैल्यू रहती है ये वाले साइड की, इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट, ये वाला साइड जो होता है उसको बोलते हैं टेल पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। लाइक अगर ये 0.30 है, तो 0.30 की वैल्यू इज दिस, और -0.30 की वैल्यू क्या होगी इधर वाली, टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया इज 1, और मान लो बॉडी पार्ट की वैल्यू आ गई 0.30, ठीक है, 30 नहीं, 30 तो यही ले लिया हमने, मान लो ये आ गई 0.5500, क्या आ गया 0.30 की पॉजिटिव वैल्यू, मैं ऐसे ले रहा हूँ, आप 0.30 की एक्चुअल वैल्यू कुछ और ही होगी, मैं बस ऐसे ही ले रहा हूँ, 0.5500 आ गई, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, यानी मान लो अगर मेरे को -0.30 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो
पॉजिटिव 0.30 की वैल्यू निकालूंगा जो मेरे को दी हुई है टेबल में, क्योंकि मेरे को टेबल में बॉडी पार्ट दिया हुआ है। बॉडी बोले तो क्या, ये मैं ऐसा खड़ा हूं तो ये बॉडी वाला पार्ट हो गया और ये पीछे वाला टेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो 0.30 की वैल्यू निकालना, D1 अगर मेरा 0.2976 होता तो मेरे को बॉडी पार्ट की वैल्यू चाहिए रहती है, लेकिन अब मेरे को -0.2976 है, यानी मेरे को एक्चुअल में क्या वैल्यू चाहिए पता है, टेल वाली वैल्यू। अब टोटल एरिया 1 है, आप एक काम करो ये बॉडी वाला पार्ट निकाल लो और ये 1 में से माइनस कर दो, तो क्या निकलेगा, ये टेल वाला पार्ट निकल जाएगा। तो प्रैक्टिकली आपको ये कैसे निकालना है, देखो ND1 कैसे निकलेगा। ND1 इज इक्वल टू, आप पहले पॉजिटिव 0.2976 की वैल्यू निकालोगे और उसको पूरे एरिया में से माइनस कर दोगे। पूरा एरिया कितना होता है 1। अब 1 में से पॉजिटिव वाली 0.2976 की वैल्यू निकालो और वो माइनस कर दो, वो हो जाएगा आपका ND1। अरे समझ में, क्योंकि हमको निगेटिव डायरेक्टली नहीं मिलेगी टेबल में, हमको जो टेबल दिया है उसमें नहीं है निगेटिव, उसको बोलते हैं टेल वैल्यू, जो पीछे वाली वैल्यू है ना, दैट इज कॉल्ड एज टेल वैल्यू। हो सकता है आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो आपको दे दे लेफ्ट और राइट 1 टेल, अगर 1 टेल वाली वैल्यू दी है तो डायरेक्ट वो -0.2976 की ही वैल्यू है, लेकिन अगर आपको 2 टेल वाली वैल्यू दी हुई है तो फिर वो अलग हो जाएगी, और ये क्यूमुलेटिव वाली वैल्यू है जो आपको जो टेबल में दी हुई है, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, मेरे को पॉजिटिव 0.2976 चाहिए, उसको वैल्यू निकाल के फिर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरी -0.2976 की एनडी बना जाएगी, ठीक है। तो ये जगह छोड़ देता हूँ। अब मेरे को कहाँ टेबल में क्या 0.29 मिलेगा और 0.30 मिलेगा, तो देखते हैं टेबल में वैल्यूज क्या आती है। अब देखो आपको जो वैल्यूज दी हुई है 0.29 और 0.30 की वैल्यू दी हुई है, और 0.29 की वैल्यू देखेगी आपको 0.6141 आई थिंक, हाँ, और बाकी जो है आपको 0.6179, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना 01, और ये डिस्टेंस कितना देख लो, .0038, और लेकिन मेरे को जाना कहां तक था, सिर्फ 0.2976 तक, यानी इतना ही कवर करना था इन दोनों का डिफरेंस। तो इंटरपोलेशन लगा दूं, चलना तो यहीं से है ना आपको, 0.6141, ठीक है, प्लस 0.0038 कवर करता हूं जब इतना चलता हूं, तो 0.0076 चलूंगा तो कितना कवर अप करूंगा, 0.6170, ये आ गई मेरी 0.2976 की वैल्यू, 1 माइनस 0.6170 लोगे तो आपको एक्चुअल फिगर पता चल जाएगी 0.3830, जो आप इधर रख सकते हो 0.3830। ये हो गया हमारा ND1। अब हम निकालते हैं ND2, सेम तरीके से निकालेंगे। ND2 क्या होगा, 1 माइनस 0.4076 की वैल्यू, N.4076, यानी पॉजिटिव वाली 0.4076 की वैल्यू निकालो और उसको 1 में से माइनस कर दो, तो जो आपका निकलेगा वो होगा -0.4076 की वैल्यू। अब इसके लिए अगर इंटरपोलेशन करना है तो आपके पास 0.40 होना चाहिए और 0.41 होना चाहिए, है ना। तो आइए टेबल में वैल्यूज देखते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी 0.6554 और उसकी वैल्यू कितनी 0.6591, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितना 0.01, ये डिस्टेंस कितना, और मुझे कितना कवर करना था, सिर्फ 0.4076 तक, ये रहा। तो कितना डिस्टेंस है, 0.0076। चलो इंटरपोलेट कर लेते हैं, अब मैं नीचे ले रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ से आगे बढ़ना था, ये यहाँ से आगे बढ़ना था 0.6554 प्लस
0.0037 मिलता है अगर इतना चलता हूं तो, लेकिन मैं अगर इतना चलूंगा तो कितना मिलेगा? लेकिन ये फाइनल फिगर है कि नहीं, इसको 1 में से माइनस करोगे तो जाके आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू मिलेगी, 1 माइनस 0.65 82, 0.3418। ये मैं यहां रख दूंगा। आ रहे समझ में? ये वैल्यू यहां आई है और यहां से ये वैल्यू आई है, ये यहां से आई है, ठीक है। अभी जगह नहीं बची, ये यहां से आई है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 380 इंटू 0.3830 दैट इज 145.54, और ये कितना आएगा? e टू द पावर 0.0125 की वैल्यू क्या थी पिछले क्वेश्चन में, मैं फिर से निकाल ले रहा हूँ। और ये आना चाहिए आपका इतना 135.02। तो 10.52 आपके कॉल की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन के बस बेसिकली इस क्वेश्चन में सीखने लायक क्या था कि अगर निगेटिव वैल्यू होती है, निगेटिव D1 का मतलब आपको टेल वाला पार्ट चाहिए, पॉजिटिव D1 का मतलब बॉडी वाला पार्ट चाहिए। अब टेबल में तो सिर्फ बॉडी वाला पार्ट दिया हुआ है, तो जब निगेटिव को आप कन्फ्रंट करते हो तो बॉडी वाला पार्ट निकालो और उसको 1 में से माइनस कर दो, तो यू विल गेट द निगेटिव वाला टेल वाला पार्ट एंड पुट इट हियर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन कर लो ये आंसर को, उसके बाद में हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। बाय बाय। अब देखो थर्ड वाले पार्ट में हमको क्या पूछा, थर्ड वाले पार्ट में पूछा पुट ऑप्शन की वैल्यू बताना है। स्ट्राइक प्राइस सेम है, ठीक है, हमने अब ये डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक चलो पुट ऑप्शन का फॉर्मूला ले लेते हैं। कॉल का आपने फॉर्मूला देख लिया ब्लैक एंड स्कोच मॉडल में, पुट ऑप्शन का ये फॉर्मूला लिख लेना। बिल्कुल थोड़ा सा कॉल ऑप्शन का उल्टा है, देखना कैसे। के इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी इंटू 1 माइनस एन डी टू माइनस एस इंटू 1 माइनस एन डी 1 1 माइनस एन डी 1 एन डी 2 यानी कि टेल वाली वैल्यूज मांगता है ये। इस फॉर्मूले से करके देखो तो भी आपका आंसर जो आएगा वो मैच करेगा एक और फॉर्मूले से। कौन सा? और पुट कॉल पैरिटी थ्योरी से भी आप निकाल सकते हो, बट इसके लिए यू नीड कॉल की वैल्यू जो हमने लास्ट वाले पार्ट में निकाला। स्ट्राइक प्राइस 380 थी ना लास्ट वाले पार्ट में, उसमें भी हमने कॉल की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली थी। तो पुट कॉल पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है? एस प्लस पी इज इक्वल टू कॉल प्लस स्ट्राइक प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू। स्पॉट प्राइस कितनी? 380। पुट की वैल्यू निकालनी है, कॉल की प्राइस लास्ट वाले पार्ट में हमने कितने निकाली? 10.52 प्लस 400 e टू द पावर 0.0125। तो देखो P0 कितना आता है अब आपका, इससे भी निकालोगे तो भी वही आएगा। जो भी ND1 ND2 आपने लास्ट वाले पार्ट में लिया ना, उसको 1 में से माइनस करके यहां रख दो, 1 में से माइनस करके यहां रख दो और वापस से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कितनी वैल्यू आएगी जो इसकी आने वाली है? 400 डिवाइड बाय 1.0126 प्लस 10.52 माइनस 380 25.54।
ये ले लो 25.54 रुपीज पुट की वैल्यू होनी चाहिए, जो भी D1 D2 था आपने लास्ट वाले पार्ट में, अब मेरे पास में यहाँ पे नहीं है तो आप एक बार रख के देखना, इसमें 25.54 ही आएगी। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका थर्ड वाला पार्ट। अब बात करता हूं मैं फोर्थ वाले पार्ट की। ये आपका होमवर्क है, आप खुद घर पे करो, क्योंकि अब दो बार तो अपन ने कॉल की वैल्यू निकाल चुके हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या डिफरेंस है? फोर्थ वाले पार्ट में बोला है कि स्ट्राइक प्राइस, अब आपको स्पॉट प्राइस अब कितनी लेनी है। पहले आपने स्पॉट प्राइस कितनी ली थी? कुछ 415, उसके बाद 380। अब आपको स्पॉट प्राइस कितनी लेनी है? 408 रुपए। लेकिन 2 महीने में डिविडेंड भी मिलने वाला है, तो अब ये डिविडेंड को कैसे एडजस्ट करोगे? याद करो फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में जो डिविडेंड को एडजस्ट करते थे वो एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई करते थे ना, वैसे ही यहां पे भी करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस वाले पार्ट में, मैं आपको लिख देता हूं, जो आपको खुद को सॉल्व करना है। अब एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई डिविडेंड, डिविडेंड 2 महीने बाद मिल रहा है तो 2 महीने से खींचो, भले कॉल की वैल्यू 3 महीने की निकाल रहे हो लेकिन डिविडेंड 2 महीने बाद ही है तो उसको 2 महीने से डिस्काउंटिंग करो। क्या रेट से? जो भी आपको 5% दिया हुआ ना, 5% पर एनम है, तो 2 महीने का कितना, उससे डिविडेंड को खींचो और एस में से माइनस करो। इंटू एन डी वन माइनस के डिवाइड बाई ई टू द पावर आर टी एन डी टू, खत्म। सेम चीज, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एस में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई, सिर्फ यहां पे आई माइनस होएगा क्या? नहीं, D1 में भी आपका एस आता है ना, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय के। अदरवाइज हम क्या लिखते थे? एस बाय के। अब लिखो एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई डिवाइड बाय के प्लस आर प्लस स्टैंडर्ड डिविजन स्क्वायर डिवाइड बाय 2√t, और ये स्टैंडर्ड डिविजन √t। आप बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर से D1 D2 निकालना पड़ेगा आपको, फिर ND1 ND2 निकालना पड़ेगा, फिर यहां पर रखना, कुछ 14 या 15 रुपए के आसपास आंसर आएगा आपका। सॉल्व करो, नहीं आता है आंसर कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? बट ये आपका होमवर्क, यू आर गोइंग टू डू ऑन योर ओन। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, दिस वॉज अ बिग क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल के सारे टाइप ऑफ टाइप्स कवर अप करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। सो दिस इज द एक ही क्वेश्चन हमने लिया है अभी ये पार्ट में, नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम आगे आगे आने वाले कंसेप्ट से मूव करते हैं। काफी सारे कंसेप्ट अभी और बाकी है, स्वैप्स हो गया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कैप्स, कॉलर्स और फ्लोर्स। सो सून वील एंड दिस चैप्टर आफ्टर कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स। सो जस्ट डू वन थिंग, नोट इट डाउन एंड देन वील मीट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम इट्स बाय बाय फ्रॉम मी।